तुम्हें देखो इतनी अच्छी लग रही हो। अरे फैजी आओ, इवेंट की पिक्चर्स आ गईं, देखो। नॉट इंटरेस्टेड। अरे देखो तुम्हारी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही, पसंद आ जाएगी तुम्हें। ये भी तुम्हें पसंद आ ही जाएगी, देखो तो सही। इतनी दुखी क्यों है? मेरी तरह ये भी इस शादी से खुश नहीं है क्या? You know what? Actually, this is what I was noticing. Engagement पे तो बहुत खुश लग रही थी और मेहंदी वाले दिन रो रही थी, जबकि मेहंदी की ब्राइड्स तो रोती भी नहीं है। ऐसी लड़कियों को ना सिखाया जाता है ये ड्रामे करने का। उनकी माए जो ना प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देती है इस चीज की कि दिल में चाहे जितने भी लड्डू फूट रहे हो ना, मुंह से मुस्कुराना नहीं है, कोई भी खुशी नहीं दिखानी है। जैसे कि रोती धोती बाहया दुल्हन है जो ना बड़ी शरीफ होती हैं। बाबा वेल डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये तो। ऑफ कोर्स बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एक्चुअली इस शादी से खुश ना हो। आर यू किडिंग मी नताशा, वो लड़की फैजान के प्रपोजल से राजी ना हो, कैसी बातें कर रही हो? उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि उसको ऐसा प्रपोजल मिलेगा। इन जैसी तंग गलियों में रहने वाली लड़कियां यहां आकर शहजादी की तरह रहेगी। उसको तो ये भी नहीं बताया होगा कि ये घर नहीं महल है, महल। अब देखना शादी के दिन किस तरह अपने माँ बाप के गले लग कर ना फूट फूट कर रोएगी। वो भी एक्टिंग होगी? Of course. ये लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं है फिल्म्स और ड्रामों से? तुम बताओ तुम्हारी कैसी तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। एंड मामा नॉट अगेन प्लीज। नताशा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यशमगिल हियर। प्लीज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ऑफ एयर बाय डिजिटल टू स्टे अपडेटेड।